नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है। इस बार का जो चुनाव कहें तो इस बार 70 से 80% ऐसे चेहरे आए हैं जिस पे जनता ने भरोसा किया है। कारण इस बार ये है कि जो पूर्व में जो डेवलपमेंट हुआ था, जो चाहिए था विकास, वो नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार नए चेहरे को मौका दिया गया है। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला। रांची जिला में अनगढ़ा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है बोंगई बेरा। तो यहाँ से अभी जो निर्वाचित हुए हैं हिरदू उराव जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने आपको दोबारा से मौका दिया है। इनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि 2010 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय ये मुखिया थे। बीच में जब महिला सीट हुआ तो इनकी पत्नी फाइट की, लेकिन उस समय पराजय हासिल हुआ। लेकिन जनता की अगर बात कहें तो जनता ने अफसोस जाहिर किया है कि काश पिछली बार जो मैंने गलती किया उस गलती को मैं इस बार दोहराने का काम नहीं करूंगा। तो इस बार पूरे जनता ने जोश और खरोश के साथ इस बार इनको हिरदू उराव जी को मौका दिया और कहा कि जो डेवलपमेंट जो आपके कार्यकाल में हुआ था उससे कई गुना डेवलपमेंट करने का काम आप इस बार काम करें 2022 में। तो अब इनसे जानते हैं कि ये मुखिया बन गए हैं और इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या कुछ इनका योजना है, तमाम मुद्दों पे बात होगी। इसके साथ साथ मैं इनसे ये भी जानता हूँ कि जब आप शपथ लेते हैं मुखिया का शपथ लेने के बाद आपका प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य को लेकर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत होगी। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंडी जोहार जी। मेरा नाम है हिरदू राव। हम बोंगई बेरा पंचायत से बिलोंग करते हैं, अनगढ़ा प्रखंड होता है। और 2010 में हम मुखिया का कार्यकाल में थे और किसी कारणवश जैसे बीच में जैसे फिर आया तो महिला सीट हो गया, तो उसमें जैसे हमारे पत्नी को कमला उराव को जैसे हम लोग दिए तो उसमें कुछ वोट में हार चुके। और उसी के बीच में हमारे जो अभी वर्तमान मुखिया था पहले, वो जैसे कुछ कार्यकाल में जैसे जैसे भी काम हुआ यहाँ के जनते को मन खुशहाल नहीं रख पाया या जो भी हुआ उसमें फिर हमारे मतलब जनता को अफसोस हुआ कि जो मैंने पिछली बार गलती की उस गलती को दोबारा मुझे नहीं दोहराना है, तो इसलिए आपको मौका दिया। तो इसके बाद में जैसे हमारे जनता फिर दोबारा गांव स्तर तक आए कि हाँ जैसे सीट तो रिजर्व है इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है और हम लोग का काफ़ी बहुलता क्षेत्र है, और उस माध्यम से जैसे इधर का काफ़ी परेशानी हुआ तो उन लोग की बुरा जनता यहाँ का पूरे जनते महिला पुरुष सब आके बोलने लगा कि भाई फिर आप दोबारा हमसे हम लोग से गलती हुई, गलती को हम लोग स्वीकार करते हैं कि ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। जितना परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा करीब आपके जैसा कार्यकाल में जितना आप किए उस तरह का हम लोग को संतुष्टि नहीं है, दोबारा आप फिर मुखिया का फाइट कीजिए इस तरह का बात हुआ। तो उसी लोग का हम सलाह लेते हुए अपना हम मुखिया में दर्ज किए और उन्हीं लोग का बल बूते हम जैसे यहाँ तक आए हैं और चाह रहे हैं कि हम जो भी हमारे 2010 में अधूरा काम जो अधूरा हुआ है उनको हम फिर पुनः उनको हम शपथ मिलने के बाद में हम उसको फिर दोबारा उसको हम मतलब ये है कि जैसे ही आप शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद आपकी जो प्रथम हस्ताक्षर होगा या जिस कार्य को लेकर के हो तो उसको प्रथम प्राथमिकता आप देंगे, क्या देंगे आप? जी सर, यहाँ सबसे हम देखा जा रहे हैं तो यहाँ स्वास्थ्य के हमारे जिस तरह का सुदूर क्षेत्र में है उस तरह का स्वास्थ्य विभाग के हम बहुत काफ़ी दिक्कत है। हमारे 2010 में हम जो कार्यकाल में जैसे अपना हम सब एक स्वास्थ्य केंद्र बनाए उसमें सभी 7 साल या 8 साल बीतने गया, अभी तक वहाँ एक अधिकार नहीं आया और यहाँ काफ़ी महिला लोगों को परेशानी हो रहे हैं। यहाँ से रिम्स ले जाना या रांची ले जाना, कहीं भी ले जाना तो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर ले जाना, कभी डिलीवरी कोई ऐसा रहता है तो कोई रास्ते में हो जाता है। इसलिए मेरा सबसे पहला महिला का प्राथमिक देखते हुए हम स्वास्थ्य केंद्र पर कलम चलाएंगे क्योंकि बंद हुआ है, हमारे काफ़ी परेशानी हो रहे हैं महिला लोग। रात अंधेरा कभी कुछ भी कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हो रहे हैं तो कम से कम वहाँ खुला रहेगा तो जाके कुछ हम लोग अपना दवा का या ट्रीटमेंट का कर सकता है, बैंडेज का कर सकता है। इतना मेरा पहला तो है स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात है जल हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि अभी जैसे आए हैं इतना दूर से, आप लोग काफ़ी हमसे घर के बगल से आप लोग गुजर के फिर आना पड़ा, तो इस तरह के जल का बहुत ही परेशानी है। और हमारे तीसरा मुद्दा है कि जैसे रोड, यहाँ करीब यहाँ रोड हम लोग का जर्जर स्थिति में है। रोड हम लोग का जिस तरह था मंत्री विधायक
जो भी बना, आज उन लोग के पास में है फंड, फिर भी यहाँ बनाया नहीं और इनको कोई जो कार्यकाल में नहीं किया। तो हम चाह रहे हैं कि मेरे रहते हुए हमारे भाई जो राजेश कच्छप जो हमारे संकल में है, उसको हम कहेंगे भाई हम आपके अति पर आए हैं और मेरा रोड चाहिए, सांसद जी है उनको भी कहेंगे कि भाई रोड मेरा काफ़ी परेशानी है। और मेरा यहाँ खिजरी विधानसभा का लास्ट बॉर्डर और सिल्ली का लास्ट बॉर्डर पर है, तो एक हमारे यहाँ बोंगई बेड़ा गुजरते हुए अब एक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक चतमा गांव के मने हैं टोली, कम से कम 100 लगभग वहाँ है। इतना रोड में आबादी मने रोड का स्थिति है कि उन लोग के जाने आने में बहुत ही कठिनाई है, जो कि आप लोग बगल में रेल लाइन अप दे अंडरग्राउंड देखे यहीं से क्रॉस करते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर उन लोग को जाना पड़ता है, जंगल जंगल रोड नहीं है। तो सबसे बड़ा 3-4 मुद्दा है। और शिक्षा भी यहाँ करीब यहाँ जिस तरह का हो, 8 क्लास जाने के बाद में यहाँ का लड़का लड़कियों को काफ़ी परेशानी होता है, यहाँ से हम लोग को जाना पड़ता है चिल्दा। अभी अभी तो कुछ गाड़ी उड़ी चलता होगा, चल रहा है इसलिए, नहीं तो पहले तो साइकिल में जाना है, पैदल में जाना है, इस तरह का जाके जैसे हम लोग को हासिल करना पड़ता था। और इस तरह का जैसे कि टाटसिलो जाना है तो वही रूट से जाना है। तो हम लोग शिक्षा पर भी ध्यान दें और हम चाह रहे हैं कि शिक्षा पर हमारा कम से कम यहाँ रहे, आदिवासी बहुलता है और यहाँ का लड़का लड़की काफ़ी यहाँ परेशानी से पढ़ लिख के अपना परिवार को जैसे अपना करा रहे हैं, चला रहे हैं। तो हम चाहें कि उसमें भी हमको युवाओं को रोजगार को लेकर के आपने क्या सोचा है? युवा रोजगार के हम मेरा सोच है कि जब हम जैसे आ जाएंगे और हम शपथ ले लेंगे तो उन लोग का हम जगह जगह में जैसे अपना कहीं वैसा होगा जगह मिल जाएगा, जैसे आपका बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, कहीं वैसा होगा तो ऊपर लेवल से हम बात करके कल्याण विभाग के माध्यम से मेरा सर लोग से कुछ संपर्क है, तो उन लोग से संपर्क करके कुछ उन लोग को दिलाएं, क्योंकि हम तो सरकारी नौकरी हम नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि हम घोषणा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी लोग उन लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। मतलब हम अपने स्तर से जो देख रहे हैं जो रोजगार से जोड़ना है, तो उस तरह का हम कुछ कुछ छोटा 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 उद्योग उन लोग हम कम से कम जिला तक भेजेंगे और उन लोग के माध्यम से हम कम से कम लोग को दिलाएंगे, दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या सोचा है, कैसे उनको आप आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे, स्वरोजगार दिलाएंगे? सर, महिला लोग को अभी बहुत सा है, अभी यहाँ कोसा मैंने यहाँ NGO बहुत तरह से चलाए हैं और चल रहे हैं बोंगई बेड़ा में, और करीब हमको लगता है अनगड़ा प्रखंड में सभी प्रखंड, हम लोग का अनगड़ा प्रखंड में 21 पंचायत है, तो यहाँ जैसे एक NGO के माध्यम से चल रहे हैं, हम लोग को भी महिला लोग को जोड़ के और कुछ कुछ जैसे लेन देन उन लोग करा रहे हैं। मैंने हमको लगता है कि उन लोग का ट्रेनिंग का सही सलाम से नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसी को मुर्गा भी दे रहे हैं या तो बतख भी दे रहे हैं, तो उन लोग को सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 महीना भी रख नहीं पा रहे हैं उन लोग को अपना चूजा जैसे लाने के बाद में। हमको लगता है कि इधर का आदमी पढ़े लिखे बहुत काफ़ी कम है और देहात का उतना सी पेपर ऊपर का जैसे मैडम बहुत कम आते हैं, तो इसलिए उन लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि उन लोग को बच्चा दिया हुआ कम से कम उन लोग का मर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोग जो भी यहाँ कम से कम ट्रेनिंग मिले तभी उन लोग को चूजा दिया जाए, उन लोग को थोड़ा सा टिक रखे कि भाई आप लोग को दिया जा रहे हैं, तो उस तरह का जैसे आप लोग अच्छा से मेहनत के करें, इस तरह का ट्रेनिंग दिलाए सरकार तरफ से, तो करीब उन लोग का भी रोजगार बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। अच्छा, मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? सर, मॉडल पंचायत के बारे में जैसे हमारे यहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि मॉडल पंचायत बन जाना चाहिए, हम बहुत यहाँ चार हैं। हमारे यहाँ मॉडल पंचायत का एक ही मुद्दा है कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं रहने के बाद में जैसे हम लोग बोंगई बेड़ा पंचायत में जो भी हमारे ज़मीन के है, मैंने अभी तक यहाँ तक ग्राउंड नहीं रहने का कारण यहाँ का मॉडल पंचायत जो लड़का लड़की में जो जितना जो अपना कम से कम जो भी खेल कूद दौड़ के की मकसद से जिन लोग करा रहे हैं उन लोग नहीं हो पा रहा है, इसके हिसाब से जैसे हमारे मॉडल पंचायत का जैसे कुछ तो आगे उत्थान कोई बताने वाला नहीं आ रहा है। तो हमारे विचार है कि जैसे यहाँ कुछ हो जाए ग्राउंड के माध्यम से, सब जगह के लड़का लड़कियों समय पहर में सुबह 7 बजे से मैंने 8 बजे तक ऐसा कुछ कुछ अपना दौड़ धूप करने के समय ऐसा होता है, तो ये नहीं हो पा रहा है। और मॉडल पंचायत हमारे अनगड़ा प्रखंड के या जो भी कर्मचारी हैं या यहाँ इस ऐसा जगह है कि एक मतलब यहाँ इस पंचायत का बहुत सा मैंने बदनामी हुआ था, जब हम 2010 में आए तो इसको सुधारी किए हैं, पहले बदनामी टाइप का हुआ था, इसलिए कि सुधार किए हैं, तो सुधार से अभी कुछ कुछ सरकारी ऑफिसर लोग आ रहे हैं, तो पहले नहीं आता था। अच्छा, मतलब जो कुछ ऐसा कांड वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, हुआ तो नहीं था, मैंने सुन के ही, इधर का आदमी जैसे ज़्यादा बेरोजगार था, कोई भी ऑफिसर आ जाता है तो उन लोग को जैसे उल्टा सीधा से बात के करके बोल देता था, तो भड़क जाता था कि भाई उन लोग इतना हो रहा है, तो हमारे बगल में जैसे
जैसे जरगा पैका है तो उसी लोग का जैसे कुछ उधर लहर लहर था तो उसी का जैसे हम लोग को भी ले लिया। मैंने यहाँ का एक हमारे बड़ा बाबू था जैसे थाना के प्रभारी जैसे रज कपूर, वो हमको बुलाया कि भाई आपका एरिया में इस तरह का है कि क्या, तो हम लोग नहीं मेरे पंचायत में एकदम बिल्कुल नहीं है, मेरे पंचायत में जितना साफ सुथरा लड़का लड़की है वैसा हम कोई पंचायत में, लंग के सुन के आपको लग रहा है कि ख़राब है, मैंने वैसा नहीं। तब वो रात रात को घूमने लगा कि भाई हो सकता है इन लोग जो अपना इलाका है तो बचाने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए वो अपने तरफ से भी घूमने का जगह, तो यहाँ कोई वैसा नहीं लगा। तब बोल दिया कि वही बाद में जैसे आपका बड़ा बाबू जैसे रज कपूर जो था बहुत मदद किया, उसी का सुधार किया हुआ, मैंने अभी इस पंचायत अभी सुधार गया। तब बोल दिया वो जिला में बोल दिया कि नहीं बोंगई बेड़ा पंचायत इतना साफ सुथरा है ना, करीब अनगड़ा प्रखंड से बोंगई बेड़ा पंचायत बहुत ही अच्छा है, हालांकि उधर रोजगार नहीं रहने का कारण उन लोग किस तरह का किया जा रहा है, थोड़ा नशा में ज़्यादा है और इन लोग बिजनेस बना दिया कि थोड़ा सा मतलब धंधा नहीं है, तो उसी में उन लोग का अथी किया। मैंने जितना बोंगई बेड़ा पंचायत जितना अच्छा है ना, उतना हमको लगता है शायद अनगड़ा प्रखंड में नहीं है। नहीं वो बात ऊपर तक भेजा तब हमारे अनगड़ा प्रखंड पंचायत से द्वारा, यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व के द्वारा इस पंचायत को बदनाम करने की कोशिश की गई, जी, ये कह सकते हाँ, हैं। तो तब उन बात को रखा वहाँ जिला तक, तब धीरे धीरे मेरा पंचायत अब सुविधा, तब अभी तो सीओ वीडियो सभी आते हैं, नहीं पहले तो बहुत कम ही आते थे और इस टाइप का, तो जब हम मुखिया बनने के बाद में उसको हम डेवलप किए और उसे लाने का हम लोग प्रयास किए। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? यहाँ इस पंचायत का समस्या तो दो ही समस्या है, एक शिक्षा और आपका ये स्वास्थ्य बहुत ही बहुत अच्छी है, और बाकी तो है तो ये इस पे है, आपका फोकस ज़्यादा होगा, फोकस ज़्यादा है। किसानों के उत्थान के लिए अपना क्या? मक्का लगा हुआ है और ऐसा किसान कर भी लेता है, मैंने यहाँ का जितना जितना मूल में बिकना चाहिए ये नहीं होता है। अब इसको हम गांव-गांव में अपना महिला से हम ढो के हम ले जा रहे हैं तो उन लोग बोलेंगे कि हम 20 रुपया, तो बोलेंगे नहीं 20 रुपया नहीं 5 रुपया देना पड़ेगा। अब तोड़ने के बाद में तो कोई ले जाने का कोई जगह नहीं, इसलिए आपको हमको मजबूरी में 5 रुपया करके देना पड़ेगा, ऐसा टाइप का है यहाँ, क्योंकि कोई सब मंडी उंडी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ किसान वर्ग के लिए खेती बाड़ी के लिए यहाँ कोई जैसे अनगड़ा प्रखंड में या तो कोई बोंगई बेड़ा पंचायत में एक मंडी का इंतजाम हो जाए, और इस तरह का जो ऊपर लेवल किसान वर्ग से जैसे कृषि विभाग से कुछ जैसे जगह मिल जाए तो हमको लगता है कि इधर भी जैसे कि बोंगई बेड़ा जरगा पैका का हमको लगता है किसान लोग को सुविधा मिल सकता है, सुविधा मिल जाएगा। तो ये आपका जी 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 प्रयास होगा कि कम से कम यहाँ पे एक मंडी की व्यवस्था हो जी जी इस प्रखंड इस पंचायत में, ताकि किसानों को जो बेहतर मेहनत करते हैं ईमानदारी से करते हैं और जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो अगर वो मंडी हो जाएगा तो किसानों को लाभ मिल जाएगा। जी जी जी। तो एक अंतिम सवाल आपसे है कि संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को, चूँकि आप पे जनता ने भरोसा किया है, तो आप क्या भरोसा दिलाएंगे? सर मेरा भरोसा है जैसे हमारे एक बहुत मुद्दा एक बड़ा था उसको आपको थोड़ा सा कहने भूल गए, हमारे राहे टू राहे में एक गंगा नाला पुल का बहुत पहले से जैसे कहने का मतलब कि पुल का से बात हो रहा है कि बनेगा बनेगा, मेरा आजा दादा से सबसे मना अभी तक नहीं हुआ है। हम जिस दिन वो मेरे पीरियड में बन जाएगा तो करीब हमको लगता है कि यहाँ का आदमी सारा खुशहाल रहेंगे और करीब मेरा नाम रोशन होगा, मेरा पंचायत का रोशन होगा, मेरे इलंकी मेरी ही पंचायत के अंदर में जब भी हम उसको ग्राम सभा में दर्ज करते हैं तो सबसे पहले गंगा नाला जो पुल है उसको समस्या के बारे में दर्ज करते हैं, तब इधर बिजली रोड वोड ऐसा टाइप का सबसे पहले उसको दर्ज करके हम करते हैं, और हम जब यहाँ जैसे बन जाएंगे तो मेरे जितना शपथ लेने के बाद में हम सबसे फोकस करेंगे कि हम विधवा और वृद्धा जो है विकलांग है उनको हम जितना अपने स्तर से जितना भी होगा उन लोग का हम दिन रात मेहनत करके उन लोग का हम अपना दिलाने का प्रयास, मतलब जो जरूरतमंद है गरीब गुरबा है उनको आप दिलाने का काम करेंगे। जी जी जी। और दूसरा होगा कि जो जो पुल है जी जी उस पुल को बनवाने का काम करेंगे, ताकि आपका नाम अगर आपके कार्यकाल में वो हो जाता है तो लोग आपके नाम युगो युगो तक करेंगे कि जो है हिरदू उराव जी मुखिया है इनके कार्यकाल में ये बेहतर काम हुआ है। अनगड़ा प्रखंड यहाँ से बोंगई बेड़ा से मात्र 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मैंने अभी आप लोग आए अनगड़ा से करीब आप मैंने 22 किलोमीटर या 27 किलोमीटर का दूरी में आप पंचायत मेरे यहाँ तक पहुँच। तो ये पुल बन जाने के बाद जी जी 5-10 मिनट का जी 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 फासला पड़ेगा। जी तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा है कि मेरा जो लक्ष्य है मेरा जो सपना है और मैं ये कह सकते हैं कि मेरा निश्चय योजना है कि इस पंचायत को किस तरह से डेवलप करना है विकास करना है, तो इनका जो है रोड मैप तैयार हो चुका है, शपथ लेते ही इनका जो कार्यकाल होगा काम होगा वो शुरू हो जाएगा, यानी इस पंचायत को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार किसानों का उत्थान साथ साथ इस पंचायत में एक ऐसा लक्ष्य इन्होंने सोचा है
कि अगर मेरे कार्यकाल में वो हो जाता है पुल का निर्माण, तो जो मेन प्रखंड अनगढ़ा जाने में जो टाइम लगता है 20-25 किलोमीटर, तो अगर वो पुल बन जाता है तो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर में ही चल जाएंगे। तो ये इनका लक्ष्य है। तो आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो निर्वाचित मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत